शुभ प्रभात कक्षा 11वीं और 12वीं स्टूडेंट्स के लिए। मैं पिछले कहानी आपको शुरू कर चुकी थी पुत्र प्रेम, वही आपका फिर आगे करवाना चाहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ तक पढ़ा था हमने पुत्र प्रेम कहानी। पुत्र प्रेम कहानी के अंतर्गत आपने देखा बाबू चैतन्य दास का भूमिका कहानी के अंतर्गत, है ना, एक पिता पिता होने के नाते उसकी भूमिका बिल्कुल हम सार्थक नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि पिता का जो भूमिका अपने परिवार अपने बच्चों के लिए एक सार्थक रूप में कहा जाए तो उन अपने बच्चे को बचाने के लिए, है ना, उस बीमारी से पीड़ित बच्चे को बचाने के लिए पैसे रुपए के कोई मायने नहीं रखते यहाँ। पैसे रुपए तो उनके लिए कोई मूल्य नहीं है, है ना, कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं अपने बच्चे की जिंदगी के साथ पैसे रुपए। लेकिन बाबू चैतन्य दास की जो व्यवहार, है ना, बाबू चैतन्य दास के अंदर इतनी ज्यादा आप कहें तो इतनी ज्यादा उनके अंदर वो इतनी ज्यादा वो महत्वाकांक्षी थे कि जिसके कारण वो अपने बड़े से संकट में पड़ जाते हैं, उसके जीवन में बड़े से संकट में पड़ जाते हैं। देखते हैं उनके जो कैरेक्टर है, उनके जो व्यक्तित्व है, हम देखते हैं कि बाबू स्वार्थी दिखाए गए हैं बाबू चैतन्य दास को, और लालची कंजूसी भी दिखाए गए हैं। यहाँ परिवार को चलाने के लिए अर्थात किसी भी क्षेत्र में वो हर बार अर्थशास्त्र से ही अपने जीवन जोड़ते थे, अर्थशास्त्र से ही वो जीवन जोड़ते थे, जैसा कि इस पाठ में आपने देखने को मिला। हम देखते हैं आगे क्या होता है कि वो डॉक्टर बच्चा दिन ब दिन उसका तबीयत खराब होते जाते गिरते जाते हैं तबीयत, और वो डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर उसे क्या कहते हैं चैतन्य दास को, और वो सलाह मानते ही नहीं, है ना। देखते हैं उसके आगे की जो व्यक्तित्व की क्या है। डॉक्टर पेज नंबर 9, डॉक्टर साहब ने कहा अब केवल एक ही साधन और है। उसके छोटे पुत्र ने जब डॉक्टर और बाबू चैतन्य दास के बीच जो वार्ता हुई, है ना, उस वार्ता के बीच छोटे पुत्र का वहां प्रवेश होना और पुत्र द्वारा उन्हें क्षमा मांगना और आगे पूछना। डॉक्टर साहब ने कहा अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। तभी बाबू चैतन्य दास एकदम आश्चर्य से, है ना, एकदम सजग होके वो पूछता है कितना खर्च होगा वहां सेनेटोरियम भेजने के लिए। ज्यादा से ज्यादा 3,000 साल भर रहना होगा, ज्यादा से ज्यादा 3,000 और उसे वहां साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे, मैं कह सकता हूँ कि वो वहां से, है ना, एक साथ उसके जांच होने के कारण डॉक्टर की इलाज होने के कारण वो सफलतापूर्वक ठीक ठाक होके वापस आ जाएंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा, डॉक्टर कहते तो तब तो ईश्वर की इच्छा, हम तो जहां तक अनुमान लगा सकते हैं, हम तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो ईश्वर चाहे वही। आपको यहां तक स्कीम हो जाएगी कि इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। तस्कीन यानी तस्कीन से मतलब तसल्ली हो जाएगी कि आपने अपने बेटे के बचाव यानी बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए ज्यादा मात्रा में हर तरह से कोशिश करके उन्होंने देखा। कम से कम ये कोशिश करने के बाद आपको एक तसल्ली मिल जाएगी कि मैंने बेटा को यहाँ तक का इलाज भी दिलवाया। उसके बाद जो होगा कम से कम एक तसल्ली के लिए ही, डॉक्टर कहते हैं कम से कम आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि आपने अपने ओर से बच्चे की इलाज के लिए जो कुछ कर सका करा। आगे रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा परिवार में। प्रभुदास को इटली भेजा जाए या ना, उस विषय में माँ और यानी पति पत्नी के बीच, बाबू चैतन्य दास और उनकी श्रीमती के बीच विवाद होते रहे कि भेज
भेजना चाहिए या नहीं, उसके चलते क्या होता है। देखो चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। जिस इलाज से है कोई लाभ होगा या ना, है ना, इस संशय में, इस संदेह में भेजने से कोई फायदा नहीं, है ना, क्योंकि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। ये बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमानी नहीं है, है ना। एक फल पाने की आशा ही ना रह जाए वहां आपको खर्च करने से एक बुद्धिमान व्यक्ति के विरुद्ध ही है, है ना। सो बाबू चैतन्य दास जहां तक यही कोशिश करते हैं कि वो उस खर्चे के लिए तैयार नहीं होते और उस बच्चे को वहां भेजने से वो उनका सोचना है कि कोई फायदा नहीं है, है? क्योंकि वो तो ठीक हो के आएगा ही नहीं, उसके स्वास्थ्य वापिस फिर से पुनः पहले जैसे होगा ही नहीं, तो उसमें उसके चलते उसके पीछे खर्चे करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर शिवदास भी उनसे सहमत था, छोटे पुत्र जो पिता के उस बात से सहमत था, किंतु उसकी माता, क्योंकि माँ है वे, क्योंकि प्रभुदास की माँ इस बात से सहमत नहीं होती ना, क्योंकि माँ है वे, माँ कभी अपने बच्चे को अपने ओर से जितना जो कुछ हो सके माँ करने के लिए तत्पर रहती है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अब यहाँ देखते माँ क्या रचती है ना, प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। पिता और शिवदास के जो प्रस्ताव है ना, जो भी उन्होंने निर्णय लिया उस निर्णय से वो बहुत ही विरोधी थी और विरोध कर रही थी। अंत में माता के अधिकारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में ही हो गया। माँ ने इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ सुना दिया, उसके चलते बाद में शिवदास भी माँ के ही साथ देने लगा और माँ के ही बातों को वो सत्य मानने लगा कि माँ का कहना ठीक है, उसको एक बार तो भेज देना चाहिए इलाज के दौरान। फिर क्या होता है, तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। अब यहाँ पे बड़ी सावधानी पूर्वक तपेश्वरी, यहाँ प्रभुदास की माँ यानी बाबू चैतन्य दास की पत्नी, तपेश्वरी ने अपने पति को मनाने के लिए ये किस प्रकार की वो तरकीब सोचता है, पति की सद्भावना को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, सद्भावना को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही कि पति को पुत्र के प्रति प्रेम में झुकाने की कोशिश की। उसके बाद धन के बारे में वो बताने लगी कि धन तो नश्वरता है, धन कभी सदा हमारे मुट्ठी में, हमारे कब्जे में नहीं रहती, वो तो क्या है, खर्च हो ही जाता है, यानी वो अमर नहीं है, वो मर जाता है, नश्वर यानी एक दिन नष्ट हो ही जाता है। सो इसमें इन बेटे के खर्चे के, बेटे के इलाज के लिए जो खर्चे हैं, उस खर्चे के चलते हमें पीछे हटने से अच्छा कि हमें उनका इलाज करना ही चाहिए। सो धन क्या है, नश्वरता वाली बात कही और कई सारे लोगों ने उन्हें कही। इन शास्त्रों की विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। इतने कोशिश के बावजूद भी उनके पति यानी चैतन्य दास ना माना तो माँ ने क्या किया, अपने बेटे के लिए वो रोने लगी, ना उसकी इलाज कराने के लिए वो जबरदस्ती रोने लगी पति के सामने, क्योंकि उसके पास यही एक उपाय बचा था। फिर बाबू साहब लज बिंदुओं के इस शैल प्रहार के सामने न ठहर सके, पत्नी के द्वारा इस प्रकार की अश्रुधारा जो बहते हुए जो कह रही थी उन सब के आगे वो रुक नहीं सका और वो भी मान जाता है, यानी इलाज के लिए वो भी वहां भेजने को तैयार हो जाते हैं। इन शब्दों में हार स्वीकार के अच्छा भाई रो मत, है ना, इन शब्दों से क्लियर हो जाता है इन सब बातों से कि अच्छा भाई रो मत, हाँ जो कुछ कहते हो वही होगा, तुम जो जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, तुम्हारे बेटे को भेज दिया, लेके जाएंगे इलाज के लिए। तपेश्वरी तो कब ले जाएंगे, रुपए हाथ में आने दो, मेरे पास अभी इन दिनों रुपए नहीं है, तो कुछ रुपए मुझे इंतजाम करने दो। जबकि उसके बैंक में बैलेंस थे, पैसे रुपयों की एक वकील होने के कारण उसके पास आर्थिक स्थिति की कोई कमी नहीं थी, वो चाहे तो उसी में से वो भेज सकते थे, किंतु फिर भी तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते, पति भी वो विरोध करने लग जाती।
भेजना चाहती हूँ किंतु अभी हाथ खाली है, मेरे पास मेरे हाथ में भी पैसे नहीं है। क्या तुम नहीं जानती बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएगी और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो, इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। इटली ले जाते ही ऐसा कोई संजीवनी मेरे बेटे के लिए नहीं रखे होंगे कि वो इलाज करते ही वो एकदम से जीवन उसे मिल जाए। जब वहाँ भी केवल प्राधारी की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, पूर्व यानी उसके पिता के द्वारा जो जमे जमा किए गए जो पैसे थे, बैंक बैलेंस थे, उन बैंक के पैसों को कितने समय लगे होंगे पूर्वज को वहाँ जमा करने के लिए। सो उनके इस धन को व्यर्थ यानी बेटे की इलाज के लिए, है ना, कोई कंफर्म भी नहीं कि वो बेटा ठीक होके आ जाएगा। सो ऐसे संदेह में कैसे हम उनके पूर्वजों की कितने समय से वो इकट्ठे कर रहे थे उन धन को खर्च करना, है ना, ये कोई सही तरीका नहीं है। रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता, जहाँ कोई निश्चित ही नहीं कि बच्चा ठीक होके वापस आएगा, है ना। ऐसे अनिश्चित आशा पर इन पैसों को मैं बर्बाद यानी बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर सारा हिस्सा तो प्रभुदास का भी तो है, है ना, उस पैसे यानी उस धन में आधा हिस्सा तो प्रभुदास के लिए भी तो है, उसका हक प्रभुदास का भी है, उसकी हकदार वो भी है। सो क्यों ना उसके हिस्से की पैसे उसे इलाज के लिए खर्च कर दे देता। जब उससे कुछ आशा होती वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, माँ की इस बात पर, आधा नहीं उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता। जब उससे कुछ आशा होती, आधा तो क्या, मैं जितनी भी धन है जितनी भी संपत्ति है सब कुछ उस पर लुटा देते, किंतु कुछ आशा की आशा वाली कोई बात होती यानी जो खर्च की उस खर्च के बदले कुछ फल की प्राप्ति हो, वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। जितना मैं खर्च करूंगा उसके लिए उसके अनुसार उसको उनकी फल उस खर्चे की फल की प्राप्ति उसे दे दो, है ना। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता, मैं इमोशनल भावुकता यानी इमोशनल में आके ही, है ना, बच्चे के प्रति इमोशनल में आकर ही मैं इतने खर्च इतने धन को मैं बेकार खर्चा नहीं कर सकता। सो मैं अपने इस धन को ह्रास करने नहीं दे सकता, बर्बाद करने नहीं दे सकता। तपेश्वरी बाबू चैतन्य दास के बातों पर वो अवाक रह जाती है कि अपने बेटे के लिए अपने बच्चे के लिए तो पिता हर तरह की कोशिश करती है उसे ठीक करने के लिए, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, चाहे क्यों ना करोड़ों कर्जे क्यों ना लग जाए, लेकिन पिता ये बात कह रही है उसे समझ नहीं आ रही और वो आश्चर्यचकित में पड़ी हुई है। जीत कर भी माँ तपेश्वरी अवाक रह जाती है, वो जीत कर भी उसकी हार हुई, उसे मनाई ले जाने के लिए, उसे इटली उसकी इलाज के लिए ले जाने के लिए पिता को मनाए यानी अपने पति को मनाए, किंतु फिर उसके पिता यानी पति द्वारा जितनी भी तर्क वितर्क हुई और उस तर्क वितर्क के दौरान वो तपेश्वरी जीत कर भी हार गई, उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने के बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपने जमींदारों के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उस मुंबई तक खुद पहुंचाने गए, वहां से लौटे तो अनेक अंतकरण में इच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभाव का प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा। उसके चलते उसके बड़े बेटे संसार को छोड़ के चले गए। चैतन्य दास मणिकर्णी घाट में पुत्र के जो शव लेके मणिकर्णी घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता
बेटे की चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे, उनके नेत्रों में अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। उस जलते हुए बेटे की शव को देखते हुए वो लगातार होते जा रहे थे पिता। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। मेरे पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम एक अर्थ यानी इकोनॉमिक सिद्धांत में मेरा जो पुत्र प्रेम वही खो गया था। पुत्र के प्रति मेरा जो प्रेम है होना चाहिए वो पैसे रुपए के चलते वही लीन हो गया। उस विरक्तता अवस्था में उसके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है कि जाकर प्रभु दास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। हो सकता था इडली ले जाके मेरा बेटा वापस ठीक होके आता, लेकिन 3000 के चलते मैंने अपने बेटे का इलाज नहीं कराया और वहाँ नहीं लेके गया। और उस पैसे को दे के मैंने इतने है ना पुत्र जो रत्न को हाथ से मैंने खो दिया। पुत्र जो एक रत्न के समान थे वो उन्हें मैंने हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उसको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। बार बार लगातार उसे पश्चाताप हो रहे थे कि काश मैं करता है ना, काश मैं ये कोशिश भी करता, हो सकता शायद वो बच के वापस आए। रहने पर उसके हृदय में वेदना की शूल सी उठती रही, उसे बहुत पश्चाताप होता रहा। बैठे बैठे उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धारिणी नाम थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाई की आवाज आई। उस मणिकर्णिका गांड में बेटे के विषय में वो बहुत कुछ सोचते कल्पना करते रहे, पश्चाताप करते रहे, अंदर ही अंदर वो घुटते रहे। तभी एक शहनाई है ना गाने बाजे बड़े बड़े आवाजों में सुनाई देती। उसे आवाज आई, उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्य का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। एक मनुष्य की एक झुंड समूह ग्रुप और उस ग्रुप में एक किसी के अर्थी उठाए हुए लोग वहाँ आ गए थे। वे सबके सब ढोल बजाते आए है ना, सबके सब बड़े नाच गान जैसे कोई शादी विवाह हो वैसे ही नाच गान उत्सव मनाते हुए वो आ रहे है ना। गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। इस पे घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे है ना जलाने के लिए। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। एक युवक आया बाबू चैतन्य के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा किस मोहल्ले में रहते हो। युवक ने जवाब दिया हमारा घर देहात में है, मैं गाँव में रहता हूँ। कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे है ना, वहाँ से हम कल शाम को चले थे। ये जो आज जिनके अर्थी हम लेके आ रहे हैं मेरे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। मेरे बाबा का अंतिम इच्छा थी मरते समय उनका इच्छा कि मुझे मणिकर्णिका घाट में ही लेके मेरा अंतिम संस्कार करना। चैतन्य दास ये सब आदमी तुम्हारे साथ है, आज जितने भी अर्थी के साथ है सारे आदमी तुम्हारे ही है। युवक हाँ और लोग पीछे आते हैं, कई सौ आदमी साथ आए हैं, यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मूर्ति बन गई, धन और है कि किस लिए, लेकिन बहुत कुछ पैसे रुपए है ना बहुत कुछ लुटाए मैंने इनकी इलाज के चलते, मेरे बाबा के इलाज के चलते, लेकिन पैसे रुपए क्या है। चैतन्य दास बोले क्या बीमारी थी। युवक ने बड़ी सरलता से कहा मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता ही नहीं चला, हर दम ज्वर चढ़ता चला रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे, 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे, जिसने जहाँ बताया लेकर गए, चित्रकूट हरिद्वार प्रयाग सभी स्थानों में ले गए, धार्मिक स्थलों में भी उनको यात्रा कराए गए। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसने कोई कसर नहीं छोड़ा, जितने भी जिन्होंने उनको ठीक करने की सलाह दी वो सारी सलाह को माना, यहाँ तक कि कई सारे धर्म स्थलों का भी उन्हें घुमाने लेके गए। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला साहब मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। एक बच्चा तभी एक आदमी तभी आया और उन दोनों की चैतन्य दास और युवक के बीच ना बात करते हुए उस आदमी ने बोला बात नहीं है ना साहब मुंह देखी बात नहीं है ना,
युवक के समान, क्योंकि इस युवक ने जो कुछ अपने पिता के लिए वो कर सकता था उसने किया। इसमें रुपये को ठीक साझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में सभा कर दी, जितनी भी पूंजी थी उसके, जितनी भी धन थे सारे पिता की दवाई में उन्होंने खर्च कर दिए। थोड़ी सी जमीन तक भेज दी, पर काल कली के सामने आदमी का क्या बस, है ना, काल यानी समय के, है ना, मृत्यु के आगे किसी का क्या बस, है ना, भगवान का भी कोई बस नहीं है। सो हो गया, है ना, जितना वो कर सकता था, जितना वो प्रयत्न कर सकता था बाबा को बचाने के लिए सब कुछ करा, लेकिन काल, है ना, जो समय, जो मृत्यु है वो किसी को नहीं रोक सकता। सो युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया रुपए पैसा हाथ का मेल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगी है तो कम खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार दिखा लो, ले केवल दादा को एक बोल बुला दे, इसी माया मोह का नाम जिंदगी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है, धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बापू साहब आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता, अपना ही चित अपने को धिकारता, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उधार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरे तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। ये युवक की इतनी सारी, है ना, हृदय को छूने वाली बात सुन के वो एकदम से मान लो कोई सपना देख रहा और उस सपने से वो जाग उठता है, उसको एकदम अपने किए पे वो पछताता है और वो अपने आप को एक अपराधी मानता है। उस युवक की सारी घटना सुनने के बाद उसके हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे, एक एक शब्द उसके हृदय में शर के समान चुभता रहा युवक के द्वारा कहा, क्योंकि उसने तो उस युवक के, युवक ने जो भी कुछ किया उसका तो एक चौथाई भी उस पिता ने कोशिश नहीं की थी बेटे को बचाने के लिए। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता महसूस हुई, अपने आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उसके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय था, उस युवक के बातों से, उस युवक ने जो भी कुछ उस मणिकर्णिका घाट में बधाई, है ना, उस बात से उसके हृदय परिवर्तन हुए और उसे अपने ऊपर आत्मग्लानी होने लगी कि मैंने बहुत घोर, मैंने अपने बेटे के प्रति मैंने अपराध की, मैंने बेटे को बचाने के चलते मैंने कुछ नहीं किया और अपने आप को वो पीड़ा से वो भरे हुए थे। कहानी पुत्र प्रेम में प्रेमचंद जी मानव मन की दुर्बलताओं को दर्शाया है, मानव की मन की जो दुर्बलता है वो दर्शाया है, और इसी के चलते वो बाबू चैतन्य दास भीतर ही भीतर, है ना, मोह माया लोभ क्रोध, है ना, ईर्ष्या, कई तरह की बुराइयां, हाँ, उसके अंदर भर गए थे, जिन पर वो अंकुश ना रख पाने के कारण वह विकट रूप ले लेती है, है ना, विकट रूप लेना यानी उसके पुत्र को खो देना। लेकिन प्रेमचंद जी द्वारा कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मानव महत्वाकांक्षी होने चाहिए, हा? पर हम संकट पड़ सकते हैं, पर इतना भी नहीं कि हमें संकट में पड़ना पड़े। जैसे बाबू स्वार्थी, बाबू चैतन्य दास स्वार्थी, है ना, और लालची और कंजूर जैसे उसके अंदर भरे हुए थे। उन्हें अपने बेटे के प्रेम तो है, बेटे से प्रेम तो है, पर वो बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, पर उनकी आशाओं पर तुषारापण ही हो जाता है। सो अंत में वो पछता के उस युवक की बात सुन के वो अपने आप पछताता है, अपने अंदर बहुत ही उसे अपना जो सोच विचार में उसे घृणा हो जाती है और उसके चलते, उसके हृदय परिवर्तन के चलते उसके अंत्येष्टि क्रिया में वो बहुत सारे धन खर्च कर देते हैं। यही उसके पास एकमात्र उपाय थे अपने बेटे की आत्मा को शांति दिलाने के लिए। सब बच्चों ये थे कहानी, आज के लिए यही समाप्त। अगले कहानी के साथ में अगले क्लास में